MT 3522 आज अल्टरनेटर पे चलाया हुआ है भाई। आप लोगों को अल्टरनेटर की परफॉर्मेंस दिखाते हैं आज MT 3522 की। ये देखो 12.5 हॉर्स पावर की मोटर है। चालीस केवीए का अल्टरनेटर है। आप सबको पहले ही पता है कि जैसे HMT को हम जानते हैं कि जनरेटर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है HMT का, तो अभी मैं आपको RPM और टेम्परेचर भी चेक करवा देता हूँ इसका, कितने RPM पे ये चल रहा है, कितने टेम्परेचर है। लगभग 750 या 800 RPM पे चल रहा है ट्रैक्टर और टेम्परेचर भी इसका 70 के आसपास है। लगभग 1.5 घंटा हो रहा है इसका चलते हुए। तो इसी हिसाब से इसका डीजल का माइलेज 3 लीटर से 4 लीटर के बीच में आना चाहिए। अगर RPM ज़्यादा होते तो 4 लीटर या 4 और 5 के बीच में आ जाता, लेकिन जिस हिसाब से RPM चल रहा है इसका और जिस हिसाब से ये लोड दे रहा है तो 3 से और 4 लीटर के बीच में इसका डीजल का खर्च पड़ेगा। बहुत ही किफ़ायती ट्रैक्टर है HMT अल्टरनेटर वगैरह पे चलाने के लिए। किसान का सच्चा साथी है ये कह सकते हैं आप। डीजल के मामले में बिल्कुल ही किफ़ायती ट्रैक्टर है ये। और अब इसका 24वां साल है हमारे पास, 2000 मॉडल है ये। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और इन्हीं परफॉर्मेंस की वजह से हमने आज तक इसको बेचने की तो सोची ही नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में एक से एक ट्रैक्टर आ गया है। बट जो इसकी खासियत है, जो खूबी है, मल्टी यूज है, किसी भी काम में लगा लो आप, हर एक ट्रैक्टर को पीछे छोड़ देगा उसी काम में। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है HMT का। जो भाई आजकल इसको चला रहे हैं वो चला ही रहे हैं, बेचने की तो नहीं सोचते हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका अल्टरनेटर पे भी, और बाई वगैरह में खेत जोतने में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है हमेशा। हमें तो डीजल का खर्चा बहुत कम लगता है इसका। चलो, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड कमेंट करना।